Ah, good boy. Wow, tasty pizza. कुछ बार तो बहुत बहुत pizza बनाती है. बात कर लेता हूँ एक बार. Hello. Hello. Are you missing it? इतने डिपेंडेंट हो तो पुनर्विवाह कैसे कराओगे? आदत डाल लो उनके बिना जीने की, वरना कभी नहीं कर पाओगे उनका पुनर्विवाह। ना जाने कौन है, जवाब ही नहीं दे रहा है। वाओ यम्मी। मम्मा अब रोज हमको इतना टेस्टी खाना खिलाने आएंगी ना? अगर आप प्रॉमिस करेंगे कि आप ऐसे ही गुड बॉय की तरह हमेशा खाएंगे। ओके प्रॉमिस। जूस लाऊं बाबा के लिए? अब नहीं। आज पहली बार बाबा ने ऐसे शांति से बैठ के और दिल लगाकर खाना खाया। ये पिज्जा नहीं, प्यार का कमाल है। लो। ये मम्मा रोज आएगी, पिज्जा खिलाएगी। दोस्त गया नहीं और दोस्त के जाने का दुख अभी से हो रहा है राज जी। राज, तू ये क्या कर रहा है? कहाँ भेजा है सरिता को और क्यों? बताया तो सब। बताया, पर आधा बताया, पर ये नहीं बताया क्यों भेजा। विक्रांत क्या गई है उसके बेटी का ख्याल रखने कुछ दिन के लिए। अब तो झूठ बोलने लगा हो छचुन। सरिता के लिए तू क्या समझता है? तेरी माँ गंवार है, उस विक्रांत से तू अपनी पत्नी का पुनर्विवाह करवाने की सोच रहा है। अरे कुछ तो शर्म कर। शर्म कैसी? कोई गलत काम कर रहा हूँ मैं? बहन का रिश्ता टूटा, उसके लिए तो नहीं ढूंढा तूने कोई रिश्ता। अरे विक्रांत जैसा रिश्ता उसके लिए ढूंढता। अरे खोटे सिक्के के लिए हीरा और मेरे खरे सिक्के के लिए कंकड़ भी नहीं। मैं नहीं गया था विक्रांत जी के पास रिश्ता लेकर। विक्रांत जी खुद आए थे मेरे पास। वो अपने बेटे के लिए एक माँ चाहते हैं, सिर्फ अपने लिए पत्नी नहीं। तू बता, क्या शीला बन सकती है एक बच्चे की माँ? नहीं ना। बच्चे का बहाना बना के खूब खेल खेल रहा है तू। मैं समझ गई, मैं सब समझ गई। अरे नाक कटवाएगी वो हमारी। अरे लोग तुझ पर हंसेंगे कि तुझ में ही कोई खोट होगा। पैसे वाले के साथ भागी तेरी पत्नी। माँ समय आ गया है अपनी सोच बदलने का। इन दख्यानुसी ख्यालों से कुछ हासिल नहीं होगा। और जरा अपने बेटे की प्रतिज्ञा की तो इज्जत कर। पूरे समाज के सामने मैंने बोला था कि मैं अपनी पत्नी का पुनर्विवाह करवाऊंगा। सरिता जी के लिए अच्छा मौका है। विक्रांत जी बहुत अच्छे इंसान हैं, वो जिंदगी में आगे बढ़ सकती है। मत रोक उन्हें। तू कुछ भी कर ले, अपने जीते जी मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। हाँ Cheers. Cheers to Mr. Vikrant Suryavanshy. Mr. Vikrant, आप देखिएगा कि आपका ये नया वेंचर भी कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छुएगा। ये भगवान, 10 बज रहे हैं। रात जी मेरी राह देख रहे होंगे। नहीं मिस्टर खड़ूस खा रहे गए। मम्मा अच्छे से खेलो ना। मम्मा आप ठीक से नहीं खेल रहे हो। बेटा मैं एक फोन करके आऊं? ओके। एक्सक्यूज मी। हेलो। किस दुनिया में रहते हैं आप? हमारी दुनिया में घर लौटने का वक्त हो गया है। अपनी घड़ी देखिए आप, रात के 10 ही बज रहे हैं ना, या सुबह के 10 बज रहे हैं। मेरे घर लौटने का वक्त हो गया है। जैसे बाप है, आपका छोटा बच्चा आपका घर पे इंतजार कर रहा है और आप बाहर हैं, वो भी इस समय पे। ये घर है, कोई होटल नहीं है कि जब मनाए आ जाए। शट अप यू स्टूपिड वुमन। एक्सक्यूज मी। मेरे घर मुझे कब आना ये तुम मुझे बताओगी? स्टूपिड होंगे आप। औरतों से किस तरह बात करते हैं आपको मैनर्स नहीं है? नहीं है मैनर्स। क्या कर लोगी? देखिए मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। औरत को कमजोर समझने की गलती मत करना और जल्दी घर लौट कर आइए। क्या हुआ विक्स? मुझे घर जाना होगा। भाई विक्रांत को घर जाना है। क्या हुआ भाई, किसका कॉल था? बड़ी जल्दबाजी में घर भाग रहे हो, कहीं कोई नई तो नहीं मिल गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इस चपड़ चपड़ का तो मुंह बंद करना ही पड़ेगा। अम्मा, अब डैडी का वेट कर रही हो? वो तो सुबह आएंगे और ऐसे ही सो जाएंगे। मैं सुबह उनके शूज उतारता हूँ, उन्हें तो पता ही नहीं चलता। मुझे तो अभी घर जाना है। मम्मा आप कहीं मत जाओ, मुझे अकेले घर में डर लगता है, और आज तो मेरी आंटी भी नहीं है। प्लीज मम्मा मत जाओ ना। मम्मा मुझे डर लग रहा है। मम्मा मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं, डर तो मुझे भी लग रहा है। कोई बात नहीं, अभी लाइट आ जाएगी। मुझे डर लग रहा है मम्मा। Hey guys, can I leave now? अरे भाई अभी से कहाँ जा रहे हो? अभी तो पूरी रात बाकी है। क्यों? मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं, अभी लाइट आ जाएगी। आपके डैडी फोन भी नहीं उठा रहे। गलती की मैंने, मैरी को छुट्टी नहीं देनी चाहिए थी। क्या कहा तुमने? तुमने मैरी को छुट्टी दे दी? How responsible are you? अभी कहाँ है? I'm sorry, वो घर की लाइट चली गई है। आपके सर्वेंट्स कोशिश कर रहे हैं, पर अभी बहुत डरा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। देख, तेरी मनपसंद दाल बनाई है शीला ने, खा ले। क्या बात है, क्यों मक्खन लगा रहा मुझे? मेरी एक बात मानेगी माँ? कौन सी बात? देख, मैं नहीं चाहता हूँ कि सरिता जी को कुछ भी पता चले। उन्हें बस ऐसा ही लगना चाहिए कि वो कुछ दिनों के लिए अभी का ध्यान रख रही है। बस एक बार वो बच्चा सरिता जी को अपनी माँ के रूप में अपना ले, फिर मैं खुद उन्हें बता दूंगा कि मैं उनकी शादी विक्रांत जी से करवाना चाहता हूँ। तू उन्हें कुछ मत बताना। नहीं बताऊंगी, और मेरे पेट में बात नहीं पचती। देख माँ, तू जिद करेगी ना तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, और अगर बिगड़ गया ना तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। माँ को धमकी दे के गया, ये भूल गया सिर्फ मैं तेरी माँ नहीं, शीला भी मेरा खून है। एक औलाद की खुशियों के लिए मैं दूसरी औलाद की खुशियों को कुर्बान कैसे कर दूं? मैं वही करूंगी जिसमें इस घर की भलाई हो। बेटा बीबी की गोद में जाके बैठ जाए, क्या माँ अपना फर्ज भूल जाती है? अभी 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 डैडी, मुझे बहुत डर लग रहा है डैडी। डैडी मुझे बहुत डर लग रहा है। अमेरिक से क्या डरना बेटा? अब तो पापा भी, अब तो डैडी भी है ना तुम्हारे पास। डरो मत। सर सॉरी सर, वो मुझे मैम ने छुट्टी दी थी। अभी सो रहा है। के पास आज के बाद अगर मुझे पूछे बिना तुम कहीं गई तो तुम्हारी हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी कर दूंगा जी। बैठो अब यहाँ। वाह सरिता जी, वाह, कमाल कर दिया आपने। तो क्या संभाला है मेरे बच्चे को आपने, वाह। अंधेरे में डरा दिया आपने उसे, आया को भी छुट्टी दे दी। आप जानती है उसे अंधेरे से कितना डर लगता है, जानती है आप? अपने आया को छुट्टी क्यों दी? आपने मैरी को छुट्टी क्यों दी? होती कौन है आप? मेरे बेटे अभिमान को अंधेरे में बहुत डर लगता है। परसों से मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसके दिल से ये डर को निकालूं, बस कोशिश ही कर रहा हूं। पर आज आपने एक ही पल में उसके मन में वो डर फिर से डाल दिया। इसी अंधेरी रात थी, एक हादसे में अभी की माँ उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। मेरे अभी को तब से अंधेरे से डर लगता है। आप जानती हैं मैं अभी को कैसे पाल रहा हूं? कितनी कोशिश करके उसके मन से अंधेरे का डर निकाल रहा हूं। आपने एक दिन में मेरे बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया। क्या शराब की बदबू आ रही है? मैं शराब पीता हूं तो मैं बुरा इंसान हूं ना? मैं बुरा बाप हूं? लेक्चर देंगे आप मुझे? अरे दीजिए ना लेक्चर, दीजिए। बात कीजिए मिस्टर सूर्यवंशी, जो मन में है बोले जा रहे हैं। मैं यहां आई मदद करने, वो भी राज जी के कहने पर, और शायद इसलिए क्योंकि मुझे लगा आपके बेटे को मुझसे लगाव है। उसकी जिंदगी में जरूर कोई कमी होगी। अभी वो मुझे माँ बुलाता है, माँ जो उसकी जिंदगी में है नहीं, और बाप जिसका कोई फायदा नहीं। बिजनेस, मीटिंग्स, पार्टीज, गिफ्ट्स, इतना बड़ा घर, इतने सारे नौकर, ये है अभी के जिम्मेदार डैडी जो नशे में धुत होकर आते हैं और सुबह उनका बेटा उनके पैरों से उनके जूते निकालता है ताकि वो आराम से सो सके। और वो तभी किसी और ही दुनिया में होते हैं। मैंने एक दिन नौकरानी को छुट्टी क्या दी थी? आप इतना भड़क रहे हैं। आपने तो बरसों से उस बच्चे को उस नौकरानी के भरोसे छोड़ रखा है। कभी कोशिश की उसकी मां बनने की? कितनी कोशिश? अगर राज जी होते ना आपकी जगह तो उस बच्चे की मां बनकर दिखाते। अंधेरे का डर है ना उस बच्चे को, तो घर में रोशनी कर या नौकरानी को उसके सिरहाने बैठाकर उसका डर नहीं भगाते, बल्कि रोज रात को उसे कहानी सुनाते, उसके पास बैठकर सोते। अगर आप ये करते ना तो उसका डर अब तक भाग चुका होता। आप हमारे घर आते हैं तो तोहफे लेकर आते हैं, अपने बेटे के कमरे में जाते हैं तो तोहफे लेकर जाते हैं। तो तोहफे उसकी मां नहीं बन सकते। आप मुझ पर उंगली उठा रहे हैं ना कि मैं गैर जिम्मेदार हूं। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए मिस्टर सूर्यवंशी, मैं यहां आई सिर्फ राज जी के कहने पर मैं आपसे अब कह रही हूं कि मैं आज के बाद इस घर की चौखट पे कभी पांव नहीं रखूंगी, कभी भी नहीं। समझ गए मिस्टर खड़ूस? अरे हाँ, जाओ जाओ। पता नहीं आज अजीब सी घबराहट क्यों हो रही है। आई जस्ट होप सरिता जी ठीक हों। कहीं सरिता को सब कुछ पता ना दे। हे भगवान, बस सब कुछ ठीक रखना। भैया, अरे कौन से ख्यालों में खोए? कुछ नहीं। भाभी के ख्यालों में ना, है ना? बोलिए बोलिए। नहीं अभी तक आई नहीं ना, तो बस। भैया लाज छिपाइए, लेकिन सच नहीं छिपता। कहीं आपको भाभी से प्यार? क्या? परवाह है मुझे उनकी, जिस तरह मुझे तेरी भी परवाह है। बहन का रिश्ता टूटा, उसके लिए तो नहीं ढूंढा तूने कोई रिश्ता। पूरे शहर में तो तेरी पत्नी के पुनर्विवाह के चर्चे हो रहे हैं। अब देख, तेरी भी तो शादी होते होते रह गई ना, तुझे भी तो बुरा लगा होगा, लेकिन तू फिक्र मत कर, अपने भाई पे भरोसा रख, तेरे लिए मैं एक बहुत अच्छा परिवार ढूंढूंगा। भैया, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, मैं तो चाहती हूँ आप और भाभी बहुत खुश रहें। भैया, भाभी को बहुत खुश रखिएगा। हाँ, उन्हें ढेर सारा प्यार दीजिए। कोशिश तो ये है शीला कि तेरी भाभी को प्यार, खुशी, परिवार सब मिले। हेलो राज जी, आप कहाँ हैं? राज जी, आप मुझे लेने आ सकते हैं? वो मैं रिक्शा से आ रही थी और मेरी रिक्शा खराब हो गई और अब दूसरी रिक्शा मिल भी नहीं रही है। प्लीज आप मुझे लेने आ जाइए। आप बताइए कहाँ, मैं आता हूँ लेने। वो मैं गांधीनगर चौक के पास हूँ। हाँ, मुझे पता है, मैं आ रहा हूँ। सरिता जी का रिक्शा खराब हो गया, मैं उन्हें लेके आता हूँ। घर पे कुछ बोलना मत। भाभी का फोन नहीं आया कि दौड़ पड़े और फिर कहते हैं कि सिर्फ परवाह है। भैया, ये सिर्फ परवाह ही नहीं, प्यार है। आपको ना भाभी से प्यार हो गया, बस आप स्वीकार नहीं रहे। सर, आपने बुलाया? खाना तो खिलाया नहीं होगा उस औरत ने अभी को। नहीं सर, आज तो बाबा ने बहुत प्यार से खाना खाया। क्या खिलाया? सर, पिज्जा। क्यों? आपने बताया नहीं उसे इस घर में जंक फूड अलाउड नहीं है? बातें बड़ी बड़ी करती है, और काम का वक्त आया तो ऑर्डर कर लिया पिज्जा। मेरी अभी का ख्याल नहीं रख सकती वो। सर, पिज्जा बाहर से नहीं मंगाया था सर, घर पर ही बनाया था। मामा, पापा को मैंने सीक्रेट नहीं बताया, मैंने प्रॉमिस नहीं तोड़ा। बोलना भी सिखा गई है कीर्तन में। राजी, क्या हुआ? डर क्यों गई इतना? राजी, अच्छा हुआ आप आ गए। आप देर रात को इस तरह सड़क पे अकेली और रिक्शा में क्यों आ रही है? विक्रांत ने छोड़ा क्यों नहीं आपको? वो अपने ड्राइवर को भेज रहे थे मुझे छोड़ने के लिए, पर मैंने ही मना कर दिया, मुझे उनका एहसान नहीं लेना था। अरे एहसान कैसा? इतनी रात को कोई किसी को अकेला भेजता है क्या? आना चाहिए था उन्हें छोड़ने। राजी छोड़िए ना, मुझे अभी विक्रांत जी के बारे में कोई बात नहीं करनी है, प्लीज। बैठिए, लगता है बारिश होने वाली है, जल्दी कीजिए। सही समय पर बारिश हो रही है। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। बैठिए। हाँ, मुझे क्या लग रहा है कि हम लोग कुछ देर यहीं रुक जाते हैं, नहीं तो भीग जाएंगे। नहीं नहीं, घर चलते हैं ना, माँ बाबू जी क्या सोचेंगे, देर हो रही है, अच्छा नहीं लगता। नहीं होगी बारिश, आप चलिए। पक्का मालूम है आपको नहीं होगी? हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ ना, नहीं होगी, आप चलिए। अच्छा चलिए, आप कॉन्फिडेंट है तो चलते हैं। भगवान करे और जोर की बारिश आए, फिर एक बार जिंदगी में वो पल झीलूं दोबारा जहाँ बारिश है, मैं हूँ और राज जी, और भूल जाऊँ वो दर्द जो विक्रांत जी ने मुझे दिया है। कोई ना हो हम दोनों के बीच। आया मजा बरसात में भीग के। बीमार होंगी ना तब पता चलेगा, घर के काम नहीं कर पाएंगी और माँ पूरे घर को सर पे उठा लेगी। और गुस्से में तो पता है माँ कुछ भी बड़बड़ाती है, कहीं आपको कुछ बोल दिया अगर। क्या बोलना थे? वो क्या है कि मैं आपका पुनर्विवाह करवाना चाह रहा हूँ ना, तो माँ को ये बात अच्छी नहीं लगती और आप तो माँ को जानती हैं। तो मेरा दोस्त मुझसे कुछ छुपा रहा है। छोटू देखिए, मैं बस नहीं चाहता हूं कि माँ आपको कुछ जली कटी सुनाए बस। अब देखो देर हो गई है, सो जाओ, गुड नाइट। मैं आपकी माँ को अच्छी तरह से जानती हूँ, उनके पेट में कोई बात कभी नहीं रह सकती। मैं पता कर ही लूंगी कि ऐसा क्या है कि वो जानती है और मैं नहीं।